नमस्कार। आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस के 49वें इस पावन अवसर पर बधाई और मंगल कामनाएं। हम लोगों ने विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन टोंक में मनाया, उसके बाद हम लोगों ने आज अजमेर में जिलाधीश महोदय, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला वन अधिकारी जी और सब लोगों की उपस्थिति में मनाया। अब हम लोग जालौर के लिए निकल रहे हैं। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि धरती का इस महायज्ञ में आप सब लोग अपनी तरफ से 5 पौधे लगा करके उनको जीवित रख करके और एक इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जल्द ही हरित राजस्थान योजना शुरू कर हम सब लोगों को और हरियाली की ओर बढ़ने वाले कार्यों में लगाने वाले हैं। सामान्य प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश और दुनिया के सामने जबान दी है कि 2022 तक भारत पर्यावरण से युक्त होगा, प्रदूषण से मुक्त होगा, प्लास्टिक पूरी तरह खत्म कर चुका होगा। उस जबान को कायम रखने में, उस बात को साबित करने में, सही साबित करने में आप सब लोग अपनी अपनी भूमिका जिस जिस रूप में निभा सकते हैं जरूर निभाएं। हरे पेड़ कहीं भी कट रहे हों उसको बचाएं, अधिक से अधिक पौधे उगाएं, पेड़ लगाएं, उन्हें बड़े करें और धरती के संरक्षण में अपना योगदान दें।